बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं। आज पूरे देश में बैंक कर्मचारी हड़ताल तो है, उसी क्रम में दरभंगा जिला के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आपको मैं बता दूं, दरभंगा टावर पर बैंक कर्मचारी दो दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि बैंकों को निजीकरण नहीं करे। आज पूरे देश में 16 दिसंबर और 17 दिसंबर बैंक हड़ताल पर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश व्यापी हड़ताल है, जो भारत सरकार हम लोगों के सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है, इसी के विरोध में सारे भारत देश के सारे बैंक कर्मी आज सड़कों पे हैं, आज और कल दो दिन। और अगर ये मांग हमारी भारत सरकार नहीं मानेगी तो आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे। और पूरा भारत में सारा बैंक बंद है, सारा बैंक बंद है। ये सरकार हमारे गरीब गुरबा की जमा पूंजी को चाहती है बड़े घरानों के हाथ में दे देना। बेरोजगार नौजवानों को ये नौकरी नहीं दे रही है, ब्याज लोगों को बहुत कम दे रही है, सर्विस चार्ज बहुत ज्यादा लगा रही है, जिसके विरोध में आज सारे बैंक कर्मी सड़कों पे हैं। और इसमें हमारे तमाम किसान मजदूर बैंक कर्मी अपना सैलरी कटा के आज हड़ताल में है। बैंक में हड़ताल होता है, हम लोग अपना तनख्वाह कटवाते हैं। बैंक बिके नहीं, देश की जनता की का पैसा सुरक्षित रहे, इसीलिए आज सारा बैंक कर्मी हम लोग सड़क पे हैं। ये 16-17 का हम लोगों का हड़ताल है। अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन बिल लाना चाहेगी जबरदस्ती संसद में, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाएंगे और बैंक को तब तक बंद रखेंगे जब तक कि सरकार इस योजना को वापस नहीं ले। सरोज सिंह, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक। संघ में मतलब महिला कर्मी, महिला बैंक कर्मी भी आज सड़क पर सरकार की निजीकरण नीतियों के खिलाफ में खड़े हुए हैं। आज हम अपने घर की हर जिम्मेवारी को त्याग कर, अपना वित्तीय लॉस घाटा, महीने का वेतन कटा कर आज हम सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि हमारा भविष्य इसी में निहित है। अगर हम एक साधारण सा उदाहरण देना चाहते हैं, अगर हमें घर में पूंजी की आवश्यकता होती है तो हम घर, जमीन, अपनी संपत्ति, अपना कारोबार बेचकर कब तक खाएंगे, अगर जब तक हम उद्यम नहीं करेंगे। सरकार ये सरकार का ये कहना है कि उनके पास राजस्व की कमी है, इसलिए वो सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। क्या हमारे घर में पूंजी की कमी होती है तो हम अपने संपत्तियों को, अर्जित संपत्तियों को बेचते हैं या अपनी उद्यमिता को बढ़ाते हैं? तो पहले किसानों के तरफ से, मजदूरों के तरफ से, आम आवाम के तरफ से बैंक कर्मी को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहते हैं, हम लोग तो बहुत पहले से, जब से देश बेचने का साजिश मोदी गवर्नमेंट किया, हम किसान आंदोलन आंदोलित हो गए और लोगों को कहते रहे कि मोदी धीरे धीरे सब कुछ बेच देगा। लेकिन यह बात अब देरी से ही सही, लेकिन बड़ी ताकत के साथ बैंक कर्मी भी समझे हैं। इसमें आज के इस हड़ताल में बैंक कर्मी को अपना कोई लाभ नहीं है, या अपने तनख्वाह के लिए हड़ताल नहीं किए हैं, या पब्लिक का पैसा जो डूबने जा रहा है, पब्लिक का पैसा जो कॉरपोरेट घराना को 2,38,000 करोड़ से अधिक रुपया भारत सरकार कॉरपोरेटरों का माफ कर दिया है, और 4,00,000 करोड़ से अधिक रुपया एनपीए करके उसका ब्याज बंद करके उसकी वसूली बंद कर दिया। आज अगर 1,00,000 करोड़ रुपया दे दे तो पूरे हिंदुस्तान का तमाम किसानों का ऋण माफ हो जाएगा, पूरे देश के बेरोजगारों का ऋण माफ हो जाएगा। लेकिन उसको, मोदी सरकार को उसके लिए पैसा नहीं है या इच्छा नहीं है। लेकिन कॉरपोरेट घराना जो मात्र 13 परिवार है, उसका 2,38,000 करोड़ रुपया माफ करके और फिर बैंक को ऐसा साजिश कर रहा है कि बैंक घाटा में है, बैंक जो है तो काम नहीं कर रहा है, बैंक में स्टाफ दे नहीं रहा है। जहाँ लाखों हजारों कंज्यूमर होते हैं, वहाँ 2-3-4 बैंक कर्मी बैंक चलाते हैं और उससे अपेक्षा उसको बदनाम कराने का साजिश किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक को बेच कैसे दे, बैंक को कैसे बेचने का साजिश सफल हो जाए। और आज बैंक कर्मी इसमें शामिल हुए हैं, जनता की मांगों को लेकर बैंक कर्मी भी हड़ताल पर हैं। आज हम
किसान सभा की ओर से तमाम बैंक कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आशा नहीं विश्वास दिलाते हैं। अगर किसान तीन कानून वापस के लिए 7-3 किसान ताजा दिया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।